आइए आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का पार्ट 14 देख रहे हैं जो कि 13 तक है। तो 3 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं पिछले दिन, तो यहाँ से आज पढ़ना है माय ग्रैंड मदर। ठीक है, तो माय ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी कह रहे हैं कि हमेशा स्कूल जाया करती थी विथ मी, मेरे साथ। तो लेखक खुशवंत सिंह है जो अपनी दादी के बारे में इसमें वर्णन किए, तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ ही स्कूल जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड, क्योंकि स्कूल अटैच्ड माने जुड़ा हुआ था, अटैच्ड माने जुड़ा होना, लगाव होना, टू द टेम्पल मंदिर से, क्योंकि वह स्कूल मंदिर से ही जुड़ा हुआ था, मतलब मंदिर था तो मंदिर के जस्ट बगल स्कूल था। तो लेखक के साथ वो स्कूल जाते थे तो जान लीजिए मंदिर जाते थे, क्लियर, पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे। इसलिए कह रहे हैं कि मेरी दादी हमेशा स्कूल मेरे साथ ही जाती थी क्योंकि वह स्कूल मंदिर से ही जुड़ा हुआ था, यानी कि सटकर था। द प्रीस्ट, प्रीस्ट माने होता है पुजारी लोग या ब्राह्मण लोग, जो मंदिर के पुजारी होते हैं प्रीस्ट कहते हैं। पुजारी जो है टाट मतलब सिखाना, हमें सिखाते थे। द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर माने होता है प्रातःकालीन प्रार्थना, ठीक है, तो या सुबह की प्रार्थना। तो कह रहे हैं कि पुजारी हमें वर्णमाला और प्रातःकालीन प्रार्थना को सिखाते थे। तो किताब में देखिए अर्थ दिया गया, तो आप अर्थ पर ज़्यादा ध्यान ना देके मीनिंग पर ध्यान दीजिए कि इसका क्या मीनिंग होगा, क्लियर, क्योंकि परीक्षा में आप मीनिंग से ही आपको काम देगा। तो मीनिंग याद रहेगा तो अर्थ निकाल लेंगे, नहीं तो अर्थ रटने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए वाइल द चिल्ड्रन, जबकि बच्चे, ठीक है, वाइल माने जबकि या जब, तो जब कह दो चिल्ड्रन, बच्चे साइट माने बैठ जाते थे इन रोज, रोज माने होता है पंक्ति में, लाइन में, ठीक है, जब बच्चे लाइन में क्या करते थे, बैठ जाते थे। आइदर साइड ऑफ द बरामदा, आइदर साइड माने होता है बरामदा के दोनों तरफ, आइदर माने दोनों में से कोई भी साइड में इस तरफ, तो बरामदा जानते हैं बरामदा। जब बच्चे बरामदा के दोनों तरफ लाइन में बैठ जाते थे सिंगिंग अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट को क्या करते थे, गाते थे आर द प्रेयर अथवा प्रार्थना को इन कोरस, कोरस माने होता है समूह में, ठीक है। बच्चे कह रहे कि बरामदे में दोनों ओर बैठ जाते थे और बैठ कर, ठीक है, वर्णमाला अथवा प्रार्थना क्या करते थे, समूह में गाते थे। कोरस माने होता है समूह में गाना, जैसे कई लड़के मिलके गाते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं कोरस सॉन्ग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब बच्चे बरामदा के दोनों ओर जो है बैठ जाते थे और बैठकर जो है अल्फाबेट यानी वर्णमाला और प्रार्थना को समूह में गाते थे, समूह में वर्णमाला और प्रार्थना को गाते थे, जैसे बच्चे होते ना काफ़ी लोग जो है मिलके कहते हैं, जैसे छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है उस तरह से। तो कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर, कह रहे हैं कि तब मेरी दादी साइट इन साइड अंदर की तरफ बैठ जाती थी, मतलब मंदिर में अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, ठीक है, स्क्रिप्चर्स माना होता धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथ, ठीक ना, तब धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी। तब मेरी दादी कह रहे हैं कि अंदर की तरफ बैठ के धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों फिनिश माने पूरा कर लेते थे, हम दोनों मतलब मैं और मेरी दादी पढ़ने का काम पूरा कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम एक साथ वापस चले जाते थे। दिस टाइम, इस समय द विलेज डॉग्स माने गांव के कुत्ते वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, हमसे द मंदिर के दरवाजे पर क्या करते थे, मिलते थे, मिल जाते थे, क्लियर, गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर हमसे करेंगे मिल जाते थे। दे फॉलोड अस, ठीक है, फॉलोड अस, फॉलोड माने होता है पीछे पीछे आना, अस माने हमारे, वे हमारे पीछे पीछे आते थे टू आवर होम, हमारे घर तक, वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। ग्रोलिंग माने होता है गुर्राते हुए एंड फाइटिंग माने लड़ते हुए, विथ ईच अदर एक दूसरे से। फार द चपातीज, चपाती माने रोटी, रोटी के लिए, और वे रोटी के लिए एक दूसरे से क्या गुर्रा रहे थे और क्या लड़ रहे थे। कहने का मतलब यह है कि वे हमारे पीछे हमारे घर तक एक दूसरे से चपाती के लिए गुर्राते हुए लड़ते हुए हमारे साथ आते थे। वी थ्रू टू देम, किस रोटी के लिए गुर्राते हुए और लड़ते हुए आते थे। वी थ्रू टू देम, जो हम उन्हें फेंक देते थे, थ्रू माने होता फेंकना, थ्रो का सेकंड फॉर्म। तो चलिए अगला देखते हैं, पांचवा व्हेन माय पेरेंट्स, जब मेरे माता पिता वर कंफर्टेबली, कंफर्टेबली माने होता है आराम से, सेटल्ड माने बस जाना, इन सिटी शहर में, जब हमारे माता पिता आराम से शहर में क्या बस गए थे, दे सेंट फॉर अस, तब वे हमें सेंट फॉर माने बुलवा लेना, तब वे हमें बुलवा लिए। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट मतलब से परिवर्तन का बिंदु, ठीक है।
कहने का मतलब यह है कि हमारे मित्रता में यहाँ एक नया मोड़ आ गया, टर्निंग पॉइंट उसको कहते हैं, टर्निंग पॉइंट ये, इससे हमारे जीवन में एक नया मोड़ आ गया। ठीक है, फ्रेंडशिप माने दोस्ती, इससे कह रहे हैं कि मेरी मानी कि लेखक की और उनकी दादी की दोस्ती में एक नया मोड़ आ गया। कह रहे कि ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही रूम में, शेयर्ड मतलब हिस्सा लेना, हिस्सेदारी थी हमारी एक ही रूम में, कहने मतलब एक ही रूम में हम रहते थे। ठीक है, माई ग्रैंड मदर, फिर भी कह रहे हैं कि मेरी दादी, तो ऑल्दो में यद्यप तो कामत मतलब होता, फिर भी मेरी दादी नो लॉन्गर माने अब नहीं या अधिक लंबे समय से नहीं, केम टू स्कूल विथ मी, मेरे साथ स्कूल आती थी। कह रहे कि मेरी, फिर भी मेरी दादी जो है अब अधिक लंबे समय से स्कूल मेरे साथ नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, कह रहे कि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी स्कूल, जैसे इंग्लिश मीडियम का स्कूल होता है। इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में, कह रहे कि मैं एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाता था। देर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गली में कोई कुत्ते नहीं होते थे, नो मीन्स कोई नहीं, कुत्ते नहीं होते थे। एंड सी टू फीडिंग स्पैरोज, टुक टुक मतलब क्या होता है, टुक टुक फीडिंग माने खिलाना शुरू करना, टुक टुक मतलब से टेक माने अपना लेना, कोई काम अपना लेना, शुरू कर देना, टुक टुक मतलब वीगन टुक, फीडिंग माने खिलाना, स्पैरोज माने होता चिड़िया, वैसे स्पैरो मीन्स गौरैया होगा, यहाँ चिड़िया से ही मतलब है। और वह चिड़ियों को क्या खिलाना शुरू कर दी थी। इन द कंट्री यार्ड माने आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस हमारे नगर के घर, करें कि वह हमारे सिटी मतलब नगर होता है या गाँव भी कह सकते हैं, कहने मतलब कुल मिला के घर ही, क्योंकि सिटी में है तो वही घर सिटी हाउस का है। तो कह रहे हैं कि सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, कह रहे हैं कि वह हमारे इस नगर के घर जो है उसके आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दी थी। तो चलिए अगला छठवां देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे ईयर्स, रोल्ड माने होगा बीतना, रोल्ड बाय माने बीतते गए, पास्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखते रहे। ठीक है, कहने कि हम एक दूसरे से कम देखते, समझ देखना, देखना समझ मिलना भी होता है, हम एक दूसरे से को कम देखते थे मतलब एक दूसरे से कम मिलते थे। क्लियर, दोनों कह सकते हो। फॉर सम टाइम माने कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वह मुझे जगाना जारी रखी, वेक माने जगाना, तो कंटिन्यू टू वेक मी मतलब वह मुझे जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए गेट रेडी माने तैयार करना, तैयार कर देती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, सी वुड आस्क मी, तब वह मुझसे पूछते, जब मैं वापस आता तब वह मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि तुम्हारे अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है, व्हाट मीन्स क्या या जो कुछ। ठीक है, तो वह मुझसे पूछती थी कि तुम्हारे के अध्यापक क्या पढ़ाए हैं। क्लियर, कहने मतलब जो कुछ भी अध्यापक मुझे पढ़ाते थे तो उसके बारे में मुझसे पूछती थी कि तुम्हारे अध्यापक क्या पढ़ाए हैं। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे अंग्रेजी के शब्दों को क्या करता था, बता देता था कि हाँ यही अंग्रेजी पढ़ाए हैं। एंड लिटिल थिंग्स, ठीक है, वेस्टर्न साइंस, एंड लिटिल थिंग्स माने थोड़ी सी चीज़ें ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस माने होता है पश्चिमी विज्ञान, और मैं थोड़ा सा पश्चिमी विज्ञान के बारे में भी बता देता था। क्लियर, थोड़ी सी चीज़ें जो है पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताता था, लिटिल थिंग्स माने थोड़ी चीज़ें या थोड़ी सी बातें। करें फिर आगे, ठीक है, तो जो जब ऐसे लेखक से पूछ लेते थे कि क्या पढ़ाए हैं, तो ये मतलब बता देते थे कि इंग्लिश वर्ड्स जो पढ़ाए हैं बता दें, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस और कुछ पश्चिमी विज्ञान के बारे में बता देते थोड़ी चीज़ें। एंड लर्निंग और ज्ञान, पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में बताते थे। द लॉ ऑफ ग्रेविटी और किसके बारे में बताते थे, ग्रेविटी माने होता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्व का नियम, द लॉ ऑफ ग्रेविटी माने गुरुत्व का, ग्रेविटी से ग्रेविएशन माना गुरुत्वाकर्षण, तो लॉ मीन्स होता नियम, ग्रेविटी माने गुरुत्व के नियम के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल माने आर्किमिडीज का सिद्धांत, और थोड़ा सा गुरुत्व के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता था, और किसके बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और संसार जो गोला है, संसार का मतलब से यहाँ अर्थ, संसार थोड़ी गोला है, धरती गोल है, तो द वर्ल्ड बीइंग राउंड मतलब होता है पृथ्वी के गोल होना, ठीक है, बीइंग मीन्स होना, और पृथ्वी के गोल होने इत्यादि के बारे में भी बता देता था। तो कहने का मतलब यह है पूरा ओवरऑल मिला के कि जब मेरी दादी मुझसे पूछती थी कि तुम्हारे अध्यापक क्या पढ़ाए हैं, तो फिर कहने के मैं उसे इंग्लिश के शब्द और थोड़ी सी चीज़ें पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान और गुरुत्व के नियम और आर्किमिडीज के सिद्धांत और पृथ्वी के गोल होने इत्यादि के बारे में क्या करता था, बता देता था। दिस मेड, यह मेड हर
अनहैप्पी या उसे मेड हर अनहैप्पी माने नाखुश कर देता था, अनहैप्पी मतलब खुश ना होना, उदास, या उसे नाखुश कर देता था, कहने मतलब इससे वह खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे, मतलब इनके टीचर जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे, तो वह उन पर विश्वास नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान से रिलेटेड है, तो ये धर्म पे ज़्यादा विश्वास करती थी, इसीलिए कह रहा है कि सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, दैट डिस्ट्रेस माने परेशान होना, और वह इस बात से परेशान हो जाती थी या दुखी हो जाती थी, दैट कि देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि भगवान के बारे में कोई टीचिंग नहीं किया गया। टीचिंग मतलब पढ़ाना, कोई भी पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया नहीं गया, कुछ भी शिक्षा नहीं दिया गया। फिर आगे कह रहा है कि एंड और द स्क्रिप्चर्स माने धर्म ग्रंथ, और इस बात से वह दुखी हो जाती थी कि भगवान के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई चीज़ पढ़ाया नहीं गया। स्क्रिप्चर्स माने धर्म ग्रंथ या धार्मिक पुस्तकें, तो उसके हिसाब से गीता रामायण इसे पढ़ा जाता तो ठीक रहता, क्लियर कोई भी। वन डे, एक दिन आई अनाउंस डैट, मैंने घोषणा किया कि, अनाउंस मीन्स घोषणा करना, एक दिन मैंने घोषणा किया कि, घोषणा किया कि मतलब वह आके बता दिया कि वी वेयर बींग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत के पाठ को भी पढ़ा दिया गया है, क्लियर, देना मतलब वही पढ़ा दिया जा रहा है, संगीत के पाठों को भी पढ़ाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत डिस्टर्ब माने परेशान, ठीक है, तो वह परेशान थी बहुत। टू हर, उसके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, कह रहे हैं कि क्यों का क्यों वह परेशान थी इस बात को सुनकर, संगीत जब बताया पढ़ाया गया तब भी वह परेशान थी, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि उसके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, कि संगीत का था ल्यूड एसोसिएशन संबंध, अशोभनीय चीज़ों से संबंध, ठीक है, ल्यूड मतलब अशोभनीय चीज़ों से, एसोसिएशन माने होता संबंध, ठीक ना, तो कह रहे हैं कि उसके लिए जो है संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से था। इट वाज, यह था द मोनोपोली ऑफ हॉर्लॉट्स, ठीक है, मोनोपोली माने होता है एकाधिकार, यह एकाधिकार था ऑफ हॉर्लॉट्स, ठीक है, तो हॉर्लॉट्स माने होता है बेस्याओं, बेगर्स माने होता है भिखारियों, कह रहे हैं कि यह बेस्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, जेंटल फोक मतलब भले लोग, सज्जन लोग, और इसका मतलब मीन्ट मीन्स मतलब होना, और इसका मतलब सज्जन लोगों से नहीं होता है, क्लियर, मीट मिस मतलब होना, तात्पर्य होना, इसका सज्जन लोगों से तात्पर्य कोई नहीं है उसके हिसाब से। सी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं की, बट साइलेंस, लेकिन शांति, ठीक है, लेकिन वह क्या थी, शांति थी, ठीक है, या चुप चुप थी, लेकिन उसका चुप होना, मीट माने मतलब, डिसअप्रूवल माने असहमति, लेकिन उसके चुप रहने का मतलब असहमति था, यानी कि नाराजगी था, असहमति था। She rarely talked to me after that. She rarely, rarely मतलब उससे कभी कभार, बहुत कभी कभार, talked to me माने मुझसे बात करती थी, after that माने उसके बाद, या वह इसके बाद मुझसे कभी कभार ही बात करती थी। तो चलिए सातवां देखते हैं। When I went up to the university, जब मैं विश्वविद्यालय जाता था, यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय से बड़े स्कूल पढ़ने लगे, I was given a room of my own, तो मुझे अब अपने हिसाब से कमरा दे दिया, माय ओन मतलब मेरा खुद का, मतलब मुझे अपने हिसाब से या मेरा खुद का एक कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक माने सामान्य कड़ी, आप फ्रेंडशिप दोस्ती की वाज स्नैप माने टूट गए, कह रहे हैं कि तब मेरी मित्रता की सामान्य कड़ी क्या हो गई, टूट गई, मित्रता मतलब दादी से जो मित्रता थी उसकी सामान्य कड़ी टूट गई। माय ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन, मेरी दादी जो है अपना सेक्लूशन माने होता है एकांतवास, एकांतवास को क्या किया, स्वीकार कर ली विथ रेजिग्नेशन, ठीक है, तो कह रहे हैं कि तब मेरी दादी जो है अपने एकांतवास को स्वीकार कर ली विथ रेजिग्नेशन, माने होता है शांत भाव से, विथ माने से रेजिग्नेशन माने यहाँ वैसे रेजिग्नेशन माने इस्तीफा होता है, रिजाइन से बना है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ नहीं लिया जाएगा, शांत से, ठीक है, शांत भाव से विथ रेजिग्नेशन। तब कह रहे हैं कि मेरी दादी जो है ने शांत भाव से एकांतवास को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्लियर, सेक्लूशन माने एकांतवास, मतलब अपने पोते के साथ नहीं रह रही भाई जी, स्वीकार कर लिया। फिर कह रहा है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सॉरी थोड़ा सा हुआ है, सातवें के बाद हैं, पहले हम इसको सातों पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। सी रेयरली, यहाँ से सी रेयरली हर स्पिनिंग व्हील,
वह बहुत कम ही रैली माने कभी कभार बहुत कम ही लेफ्ट माने छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील माने होता चरखा, अपना चरखा को बहुत कम ही वह क्या करती थी छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए, क्लियर। तो कह रहे हैं कि वह किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को बहुत कम ही छोड़ती थी, क्योंकि कह रहे हैं कि वह अपने एकांतवास को शांत भाव से स्वीकार कर ली थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए तो इनको अपना खुद का कमरा मिल गया, तो दादी से जो है शाम मित्रता की कड़ी क्या हो गई, साझी कड़ी टूट गई। तो वही कह रहे हैं कि शेयर लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, तब वह उस एकांतवास को स्वीकार करने के बाद रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग, रेयरली मैंने कभी कभार ही बहुत कम ही लेफ्ट छोड़ती थी हर स्पिनिंग व्हील माने अपना चरखा, टू टॉक टू एनीवन किसी से बात करने के लिए, वह किसी से बात करने के लिए अपना चरखा बहुत कम ही छोड़ती थी, कभी कभार ही छोड़ती थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय वो चरखे पर बिताती थी चरखा से सूत काटने में। फ्राम सनराइज टू सनसेट, माने सनराइज माने होता सूर्योदय, सनसेट माने सूर्यास्त, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, टू मिनट तक। सी साइट बाय हर इस हल फील स्पिनिंग, सी साइट माने वह बैठे रहती थी, बाय माने होता पास भी होता, हर व्हील स्पिनिंग माने होता चरखा, ठीक है। तो वह अपने चरखे के पास ही क्या करती थी, बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइटिंग माने होता गाना, चारण करना, गाना, तो रिसाइटिंग प्रेयर्स माने प्रार्थना गाती थी, प्रार्थना गाने मतलब वही भजन वजन गाती रहती थी, क्लियर। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद में, यानी तीसरे पहर में, सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, सी रिलैक्स माने वह आराम करती थी, फॉर ए व्हाइल माने कुछ समय के लिए, टू फीड द स्पैरो, चिड़ियों को खिलाने के लिए, स्पैरो माने होता चिड़िया। कह रहे हैं कि केवल दोपहर के बाद में वह कुछ समय आराम करने, चिड़ियों को खिलाने के लिए कुछ समय के लिए आराम करती थी, मतलब दोपहर के बाद चिड़ियों को भोजन खिलाती थी, तो उसी समय जान लीजिए कुछ समय आराम उसको मिल जाता था, भोजन खिलाते समय थोड़ी ना चरखा काटती थी, ठीक है। तो भाई उसके ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद में, सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, वह कुछ समय के लिए आराम करती थी, टू फीड द स्पैरो, जब चिड़ियों को खाना खिलाती थी उस समय। व्हाइल सी सैट इन द बरामदा, जब वह बरामदा में बैठ जाती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, ठीक है, ब्रेकिंग माने होता है तोड़ना, ब्रेड माने रोटियों को, इन टू लिटिल बिट्स माने छोटे छोटे टुकड़ों में, जब वह बरामदे में बैठ जाती थी तब वह छोटे छोटे टुकड़ों में रोटियों को क्या करती थी, तोड़ लेती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स माने तब करें कि सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों ओर क्या करती थी, इकट्ठा हो जाती, तब सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग ए वर्टी टेबल वेडलैम ऑफ चिरपिंग, अब यहाँ क्या है, क्रिएटिंग माने होता उत्पन्न करना, वे चिड़ियाँ क्या करती थी, उत्पन्न करती थी, ए वेडलैम ऑफ चिरपिंग, ठीक है। तो आपको जो है क्या उत्पन्न करती थी, चिरपिंग माने होता ची ची करना, ठीक है, वो ची ची की आवाज़, वेडलैम वेरिटेबल माने विभिन्न प्रकार के, वेडलैम मतलब शोर होता है, तो वह विभिन्न प्रकार के क्या करती थी, ची ची करके शोर को क्या करती थी, उत्पन्न करती थी, क्लियर। तो बेडलैम मतलब होता शोर, चिरपिंग माने होता ची ची करके, ची ची करना जिसको चिरपिंग कहते हैं, तो चिरपिंग यूज कहते हैं, तो ची ची करके शोर उत्पन्न करते, वेरिटेबल मतलब विभिन्न प्रकार के, वो ची ची करके जो है विभिन्न प्रकार से क्या करती थी, शोर उत्पन्न करती थी, क्लियर। ऐसा शोर जैसे आदमी सुन के पागल सा हो जाए कि बहुत ज़्यादा शोर है वही। तो वही कह रहे हैं कि कलेक्ट हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, राउंड माने होता चारों ओर, गोल नहीं हुआ, चारों तो सैकड़ों चिड़ियाँ, तब कह रहे हैं सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी, क्रिएटिंग माने उत्पन्न करती थी, ए वेरिटेबल बेडलैम माने ऑफ चिरपिंग माने ची ची करके शोर, ठीक है ना, ची ची करके शोर जो है उत्पन्न करती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी और उनके पैरों पर भी बैठ जाती थी, उन चिड़ियों में से कुछ चिड़ियाँ ऐसी भी थी आके उनके कहाँ बैठ जाती थी, पैरों पर बैठ जाती थी, लेग्स माने पैर आलात। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और दूसरी चिड़िया कहाँ बैठ जाती थी, उसके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन साइट ऑन हर हेड, कुछ तो यहाँ तक कि उनके, इवन मीन्स यहाँ तक कि, हेड माने सिर, कुछ तो यहाँ तक कि उसके सिर पर भी क्या करती थी, बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर सूट देम अवे, लेकिन कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी, सूट माने सू करके उड़ा देना, ऐसे करके उड़ा देते, तो वह कह रहे कभी लेकिन वह उन्हें उड़ाती नहीं थी, सू अवे माने उड़ा देना, सू करके उड़ा देना, सू कह के उड़ा देना, क्लियर, जैसे सू की ध्वनि कह के उड़ा देना, लेकिन वह कभी उड़ाती नहीं थी, सूट अवे मतलब उड़ा देना। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर, इट यूज टू बी माने यह हुआ करता था, हैप्पीएस्ट माने सबसे अधिक प्रसन्न, हाफ आवर माने आधा घंटा, ऑफ द डे माने दिन का, फॉर उसके लिए, या उनके लिए दिन का सबसे अधिक प्रसन्न का आधा घंटा हुआ करता था, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया।
चलिए आठवां देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, when I decided माने जब मैंने निश्चय कर लिया, to go abroad माने होता है बाहर जाने का, क्लियर। अब्रॉड माने तो विदेश जाना, बाहर जाना मतलब अपना गांव छोड़कर कहीं दूसरे देश में, जैसे यहाँ से इंग्लैंड, अमेरिका, इस लोग पढ़ने बहुत लोग चले जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं अब्रॉड मतलब विदेश या बाहर, फर्दर माने क्या था, आगे, आगे की स्टडीज माने पढ़ाई। तो when I decided to go अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर, तब मुझे विश्वास था माई ग्रैंड मदर की मेरी दादी वुड बी अपसेट, परेशान होगी। तब मुझे यह विश्वास था कि मेरी दादी इस समय क्या होगी, परेशान होगी कि मैं बाहर जा रहा हूँ। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल तक दूर रहूँगा। एंड एट हर एज, और उसकी उम्र पर, वन कुड नेवर टेल, कोई व्यक्ति बता नहीं सकता, कभी नहीं बता सकता था, क्लियर। तो कह रहा है कि आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल तक क्या दूर रहूँगा, मतलब मुझे 5 साल दूर रहना था। एंड नो एट हर एज, क्लियर, और उसकी उम्र पर, उम्र पर मतलब उनकी उम्र के बारे में, वन कुड नेवर टेल, कोई भी व्यक्ति कभी नहीं बता सकता था, मतलब कि कुछ कह नहीं सकता था, बता नहीं सकता था कि उनकी उम्र के को लेकर कि कोई व्यक्ति कि कब तक वो जीवित रहेंगी, कब तक नहीं रहेंगी, उतना अवस्था हो गई थी, कोई व्यक्ति उनकी उम्र के बारे में कभी कोई भी कुछ भी बता नहीं सकता था कि वो कब तक रहेंगे। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी कुड माने सकती थी, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी, यानी उनको विश्वास था, उनकी उम्र को लेकर किसी को विश्वास नहीं था कब तक रहेंगे, लेकिन मेरी दादी को विश्वास था कि हाँ मेरा पोता जब पढ़ के आएगा तब तक तो मैं कम से कम रहूँगी जिंदा, क्लियर। कुछ मतलब सकती थी, मतलब विश्वास कर सकती थी कि वो रहेंगे। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह यहाँ तक कि भावुक भी नहीं थी, इतना कोई जाने लगता तो लोग भावुक हो जाते हैं, मम्मी हैं दादी रोने लगती हैं, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह यहाँ तक कि भावुक भी नहीं हुई, क्योंकि भावुक हो जाते तो लड़के का पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर की याद आती बार बार ना, इसलिए भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने भी आई, सोचो। बट डिड नॉट टॉक आर सो एनी इमोशन, लेकिन कह रहे हैं कि डिड नॉट टॉक, लेकिन वो बात नहीं कि आर सो अथवा दिखाई एनी इमोशन, माने कोई भावना भी नहीं दिखी, सुमित दिखाना है प्रकट करना, लेकिन वह मुंडा तुम उससे बात की ना कोई भावना दिखाए, क्योंकि भाई ऐसा करते तो बार बार उसको याद आती, क्लियर, दादी की तो पढ़ नहीं पाता, इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसा कुछ की वो, ताकि बच्चा कोई टेंशन ना ले। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ जो है मूव्ड इन प्रेयर, माने प्रार्थना में हिलते थे, उनके होठ जो है प्रार्थना में हिलते रहते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग जो है प्रार्थना में खोया हुआ था, इसमें खोया हुआ। हर फिंगर्स, उनकी अंगुलियां वर बिजी, माने व्यस्त थी, टेलिंग द वीड्स आर फॉर रोजरी, अपने माला को फेरने में, टेलिंग द वीड्स, रोजरी माने क्या होता है, माला, वीड्स माने माला का दाना होता है, ठीक है, तो टेलिंग मतलब वही कहना कि हरे राम हरे कृष्ण ये सब कहना, तो कहने मतलब कि टेलिंग द वीड्स ऑफ रोजरी माने अपनी माला को फेरना। तो कह रहे हैं कि उनकी अंगुलियां माला को फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली, साइलेंटली माने होता चुपचाप, यानी एकदम चुप चुपचाप ढंग से, सी किस्ड माई फॉरहेड, ठीक है, चुपचाप उसने मेरे माथे को चूम लिया, किस्ड मीन्स चूमा, फॉरहेड माने माथा या मस्तक। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं छोड़ा, मतलब जब मैं उसके पास से छूटा, ठीक है, छूटा मतलब विदा हुआ, आई लेफ्ट, ठीक है, आई चेरिस्ड, करें कि जब मैं उनके पास से छूटा यानी कि विदा हुआ, यानी कि छूटक मतलब लेफ्ट में छूटा, छूटक मतलब चला, विदा हुआ या चला। मैन आई लेफ्ट माने जब मैं अपनी दादी के पास से चला, तो आई चेरिस्ड, ठीक है, चेरिस्ड माने होता है संभाले रखना, ठीक है। द मोइस्ट, मोइस्ट माने होता है नम, और इम्प्रिंट माने होता है छाप या निशानी, क्लियर। तो कह रहे हैं कि मैं तब उस समय नम निशानी को संभाले रखा, ठीक है। एज परहैप्स, जैसा कि शायद में, द लास्ट साइन, या अंतिम साइन माने होता निशान, ठीक है, तो अंतिम निशानी थी। आप फिजिकल कांटेक्ट माने शारीरिक संपर्क का बिटवीन अस, हमारे बीच। तो देखिए फिर देख लेते हैं, व्हेन आई लेफ्ट माने जब मैं चला उनके पास से, उनके पास से छूटा या नहीं चला, आई चेरिश्ड, तब मैंने संभाले रखा, द मोस्ट इम्प्रिंट, मोस्ट माने होता नम, इम्प्रिंट माने होता छाप, इसकी छाप पड़ जाती है ना, निशान पड़ जाता, छाप पड़ जाती, तो यहाँ छाप से मतलब है मेन अर्थ। तो तब मैं नम छाप को जो है संभाले रखा, जो मतलब कि जैसे माथे को चूमी थी लेखक की उनकी दादी, तो थोड़ा सा छाप पड़ गई थी, ठीक ना, निशान, क्लियर, नम छाप, क्योंकि चूमेंगी तो नम छाप रहेगी भाई, तो नम छाप जो है को संभाले रखा। एज पर है, जैसा कि शायद में द लास्ट साइन
कह रहे हैं कि यह अंतिम निशान था, साइन मीन्स निशान, हस्ताक्षर करना भी होता है, यहाँ नाउन है तो निशान हो जाएगा। आप फिजिकल कॉन्टेक्ट मीन्स शारीरिक संपर्क का, कॉन्टेक्ट मीन्स संपर्क बिटवीन अस, हमारे कह रहे हैं कि जैसा कि यह संभवता हमारे शारीरिक संपर्क का, तो यानी हमारे बीच शारीरिक संपर्क का अंतिम निशान था। शारीरिक संपर्क का मतलब ये है कि जैसे शरीर से अपने पोते को सहलाएगी, उसके ऊपर हाथ रखेगी, ठीक ना, उसको चूमेगी, तो इस तरह से दादी के टच में रहना, क्लियर, दुलार करना, उसको शारीरिक संपर्क यहाँ कहा गया। तो कह रहे हैं कि जैसा कि संभवता यह हमारे बीच जो है शारीरिक संपर्क का जो है यह अंतिम निशान था, तो इसलिए मैं इस अंतिम निशान को अंतिम निशान ही समझ कर, ठीक है, नम छाप को जो है अपने हृदय में क्या रखा, संभाले रखा, इस यादों को जो है संजोए रखा। तो इस तरह से हो गया। अब आज के लिए इतना ही, आप 8 के बाद जो है अगले हम 9, 10, 11, 12, 13 अगले दिन पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो इतना तैयार करके आना, फिर अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।